हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पूरा पढ़ लिया था। आज हम मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ेंगे। जलवायु क्लाइमेट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। जलवायु सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें तो किसी भी क्षेत्र में लंबे समय का मतलब क्या होगा है? या तो एक साल या छः माह या दो महीने, ये इस टाइम को बोल रहे हैं ना। लंबे समय तक पाए जाने वाली तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि की मात्रा तथा वायु की गति का औसत रूप में पाया जाना वहाँ की जलवायु कहलाता है। या आप अगर इजी वे में याद रखना चाहें तो एक डेफिनेशन ये भी है कि मौसम का दीर्घकालीन औसत स्वरूप जलवायु कहलाता है। दीर्घकालीन औसत स्वरूप क्या होगा? जैसे छः माह क्या होती है? वर्षा होती है। छः माह क्या? ठंड पड़ती है। छः माह क्या? गर्मी पड़ती है ना। ये क्या है? मौसम का दीर्घकालीन औसत स्वरूप क्या कहलाता है? जलवायु। अब मौसम की डेफिनेशन देखें तो किसी भी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को क्या कहते हैं? मौसम। जैसे आज क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। कल गर्मी पड़ेगी। ऐसे ये दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश की जलवायु भी क्या है? पूर्णतः मौसमी अर्थात मानसूनी या उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु ITCZ, ये मैं आपको भारत के भूगोल के अंतर्गत अच्छे से पढ़ा दूंगी। और मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? एक तो समुद्र से दूरी है। समुद्र से दूरी होने के कारण क्या होगा? तापांतर क्या होगा? अधिक। मतलब तापमान क्या होगा? अधिक होगा समुद्र से दूरी होने के कारण। और कर्क रेखा मध्य से गुजरने के कारण क्या? जून का महीना सबसे गर्म होता है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। जून के संपूर्ण मध्य प्रदेश में क्या होता है? जून का महीना सबसे ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि कर्क रेखा मध्य से गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है? 14 जिलों से गुजरती है ना। और राज्यों में कितने? 5 राज्यों से 14 जिलों से, मध्य प्रदेश की 14 जिलों। और पर्वतों की स्थिति विंध्याचल पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत के कारण यहाँ पे क्या? वर्षा अधिक होती है। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है। मैं आपको विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत अभी जलवायु के बाद मैं आपको पर्वत पढ़ाऊंगी दोनों। इसके कारण क्या होती है? वर्षा अधिक होती है। भूमध्य रेखा से दूरी होने के कारण क्या है? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ये, है ना। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश का विभाजन कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में। सबसे पहले देखें तो उत्तर का मैदान, जिसमें बुंदेलखंड का पठार शामिल है, मध्य भारत का पठार शामिल है और रीवा पन्ना का पठार। मैं आपको ये मैप के थ्रू एक बार अच्छे से बता दूंगी ताकि ये आपको अच्छे से याद रहे। और समुद्र से यहाँ पर क्या? उत्तर के मैदान में समुद्र से दूरी होने के कारण क्या होता है? गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है, तेज़ गर्मी पड़ती है, और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है, जिसके अंतर्गत सर्वाधिक गर्मी कहाँ पर पड़ती है? विदिशा के गंजवा सोदा में सर्वाधिक गर्मी, और सर्वाधिक सर्दी कहाँ पर? उमरिया में। ये सबसे नीचे है, पर मैं आपको संपूर्ण मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ। मैं संपूर्ण मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पे? उमरिया। और अभी लास्ट 2002 में ये कहाँ पर देखी गई थी? सिवपुरी में, जो कि उत्तर के मैदान के अंतर्गत ही शामिल है ना। और इस क्षेत्र की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की होती है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु किसके कारण होती है? मध्य प्रदेश, मैंने आपको मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में क्या पढ़ाया था कि मध्य प्रदेश एक भू अवशिष्ट राज्य है, और इसलिए जो उत्तर का मैदान है वो भू अवशिष्ट प्रदेश के अंतर्गत आता है। चारों ओर से एक ओर से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात से घिरा हुआ, इसलिए महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। औसत तापमान कितना होता है? 40 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान, और न्यूनतम कितना? 15 से 18 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है मालवा का पठार। मालवा के पठार में क्या है? सम जलवायु होने के कारण मालवा क्षेत्र में क्या? ग्रीष्म ऋतु में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। सो औसत तापमान कितना होता है? 38 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान। मतलब ये क्या मैं बता रही हूँ? गर्मियों का तापमान बता रही हूँ। और न्यूनतम मतलब सर्दियों का 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान, ये औसत तापमान बता रही हूँ। औसत न्यूनतम बता रही हूँ। और चीनी यात्री फायान ने मालवा की जलवायु को क्या बोला? विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु, क्योंकि यहाँ पे ना तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है, ना ही शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। और इसके अंतर्गत जिलों की बात करें तो इंदौर, देवास, उज्जैन, सीहोर, रतलाम आदि जिलों को शामिल किया गया मालवा पठार के अंतर्गत। तीसरा क्या है? विंध्य का पठारी या पहाड़ी क्षेत्र, दोनों बोल सकते हैं। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में क्या पड़ती है? अधिक ठंड।
शीत ऋतु में क्या होती है, अधिक ठंड पड़ती है, और ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी पड़ती है। इस क्षेत्र का औसत तापमान गर्मियों में कितना होता है, 35 से 38 डिग्री सेल्सियस, और सर्दियों में कितना होता है, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है, मतलब न्यूनतम, और ये क्या तापमान अधिकतम। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी और अमरकंटक इसी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पचमढ़ी जो कि पचमढ़ी के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ इसी के अंतर्गत आती है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, और अमरकंटक जहाँ से सोन नर्मदा जोहिला नदी का उद्गम स्थल है ना। चौथे डिवीज़न की बात करें तो नर्मदा घाटी क्षेत्र है, कर्क रेखा के समीप स्थित होने के कारण नर्मदा घाटी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है। यहाँ पर क्या अधिक गर्मी, और अभी हमने जो विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र देखा था वहाँ पर क्या शीत ऋतु में अधिक ठंड, और यहाँ में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी, किंतु शीत ऋतु में क्या होता है, समान ठंड रहती है। इसका औसत तापमान देखें तो 38 से 40 डिग्री सेल्सियस गर्मियों में, और न्यूनतम देखें तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस सर्दियों में। और इसके अंतर्गत जिलों की बात करें तो होशंगाबाद, जबलपुर, हरदा, नरसिंहपुर, खंडवा क्षेत्र नर्मदा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए। अब मैं आपको ये मैप के थ्रू बता देती हूँ ताकि आपको ये याद रहे, अगर कभी आप भूल भी जाओ तो आप इसको मैप के थ्रू। जैसे उत्तर का मैदान, उत्तर के मैदान में क्या तापमान क्या है, तापमान हमने देखा था क्या गर्मियों में क्या होती है, गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है ना, और सर्दियों में क्या पड़ती है, अधिक सर्दी। और विंध्य का पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु में क्या सामान्य गर्म, और शीत ऋतु में अधिक ठंड है ना। और मालवा क्षेत्र के अंतर्गत ना तो गर्मी ज़्यादा है ना, और ना ही ठंड है ना। और नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत सामान्य ठंड पाई जाती है और अधिक गर्मी। मध्य प्रदेश के जलवायु विभाग की बात करें तो आर सुब्रणयम तथा श्री मन्ना नारायण के अनुसार, मतलब अलग अलग भूगोल वेत्ता के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने विभागों में बांटा गया है ये देखते हैं। सबसे पहले श्री मन्ना नारायण के अनुसार आर्द्र शुष्क तथा अथवा स्टेपी प्रकार की है ना, तीन भागों में बांटा गया है, और दूसरा है गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, थर्ड है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। यहाँ पे आर्द्र भी पाई जाती है, शुष्क मतलब पतझड़, यहाँ पे बिल्कुल पतझड़ जैसा मौसम रहता है, और थन वेट के अनुसार भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है तार अल्पत्र जलवायु और शुष्क अल्पत्र जलवायु, और आर्द्र शुष्क अल्पत्र जलवायु, ये तीन भागों में बांटा गया है। इसमें आपसे एग्जाम में यही पूछेंगे कि इनमें से कौन से डिवीज़न थंड वेट के अनुसार नहीं है, क्योंकि हाँ में तो ये आपको तीनों दे दिए जाएंगे ऑप्शन में, और नहीं का पूछेंगे। और कोपेन के अनुसार भारत में कितने भागों में बांटा गया है, 9 भागों में, और जिसमें मध्य प्रदेश में कितने हैं तीन भागों में। पहला है आर्द्र उष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु, जिसको जीके कोर्ट में लिखा जाता है, और इसके अंतर्गत क्षेत्र कौन कौन से शामिल है, जबलपुर है, ग्वालियर है, सिंगरौली है, कटनी, रीवा इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और सेकंड है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, जिसको AW के कोड में लिखते हैं, और क्षेत्र इसके अंतर्गत इंदौर, देवास, भोपाल, रतलाम, उज्जैन इसके अंतर्गत ये जिले शामिल किए गए हैं। और तीसरा कौन सा है, आर्द्र उष्ण शुष्क जलवायु, जिसको कौन से BSH कोड के अंतर्गत रखा जाता है, और क्षेत्र कौन कौन से, बुरहानपुर, भिंड, मुरैना, खरगोन। कल की वीडियो में मैंने दो पर्वत नहीं पढ़ाए थे, एक तो विंध्यांचल पर्वत है ना, और सतपुड़ा जो मेकाल सीढ़ी उसके अंतर्गत मैंने सतपुड़ा के बारे में बहुत कुछ बता दिया था। अब मैं आपको कल की वीडियो में विंध्यांचल और सतपुड़ा पर्वत दोनों पढ़ाऊंगी, जिसमें विंध्यांचल पर्वत में हमें कैमूर और भांडेर सीढ़ी देखने को मिलेगी, और सतपुड़ा में पश्चिम पूर्वी और मेकाल सीढ़ी तीन डिवीज़न को हम देखेंगे है ना।